ये कहानी एक कपल की जो कि जवानी के जोश में लव मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनकी लव लाइफ कैसे एक बुरे सपने में बदलने लगती है। यही सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अपने पति के टॉर्चर से तंग आने के बावजूद भी जब एक बीवी बार बार अपने पति को सुधरने का नया मौका देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक हैवान पति अपनी आदतों से बाज नहीं आता, तब एक माँ और बेटी आखिरकार क्या कदम उठाती है, ये सब आपको इस एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है बदरू से, जो की एक प्यारी सी जिंदा दिल लड़की है। बदरू का एक बॉयफ्रेंड था हमजा। एक दिन हमजा उसे गुड न्यूज देता है। वो बताता है कि मुझे सरकारी जॉब मिल गई है। ये सुनकर बदरू भी काफी खुश होती है और इसके कुछ ही दिन बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। सीन यही कट होता है और कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां बदरू और हमजा एक चौल में अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। अब बदरू का ख्वाब था कि वो अपने पति को खुश रखे, इसके साथ ही बदरू को अब अपना घर चाहिए था। इसी सिलसिले में जब बदरू अपने पति से बात करती है तो हमजा भी उसके इस फैसले को लेकर हाँ कर देता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं और हम देख पाते हैं कि अब इन दोनों के रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही थी। अब हमजा छोटी छोटी बातों को लेकर बदरू पर हाथ उठाने लगा था और कभी कभी तो वो उसे बुरी तरह मारता था। उनके मोहल्ले के लोगों को भी अब हमजा के रवैये के बारे में पता चल चुका था, लेकिन पति पत्नी के बीच का मामला समझ कोई भी हमजा के खिलाफ नहीं बोलता था। हर रात मारपीट करने के बाद हमजा सुबह सुबह बदरू से प्यार से बात करता है। हम समझ पाते हैं कि रोज रोज का झगड़ा करना अब हमजा की आदत बन चुकी थी। एक सुबह बदरू और हमजा सब कुछ भूलकर अपने फ्यूचर और बच्चे की प्लानिंग करने लगते हैं। और इसी दौरान जब बदरू फिर से ये घर बेचकर अपना कोई नया घर लेने के बारे में बात करती है, तो इस बार हमजा इस बात से गुस्सा होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोपहर में बदरू अपनी माँ के घर जाती है, जो की पास में ही था। उनकी बातों से हमें समझ आता है की बदरू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बातों ही बातों में बदरू की माँ उसे समझाती है कि तुम्हें उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। वो भी उनके हर रोज के झगड़े से परेशान हो चुकी थी, लेकिन बदरू अभी भी अपने इस रिश्ते को बनाए रखने के बारे में सोचती है। वो कहती है कि पति पत्नी का झगड़ा आम बात है। हमजा था तो एक टिकट कंडक्टर, लेकिन न चाहते हुए भी अपने सीनियर्स की बातें मानकर उसे टॉयलेट साफ करना और ऐसे ही छोटे मोटे काम करने पड़ रहे थे, और इसी वजह से उसकी नौकरी भी बची हुई थी। आगे हम चौल के ही एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था जुल्फी। जुल्फी और बदरू की अच्छी दोस्ती थी। दरअसल जुल्फी एक राइटर है, लेकिन खर्चा निकालने के लिए वो अक्सर सेकेंड हैंड चीजें बेचा करता था। वही बदरू की माँ उसे बेवकूफ बनाकर जुल्फी से कम पैसों में ही सामान खरीद लिया करती थी। बदरू और उसकी माँ हमजा की शराब पीने की आदत से काफी परेशान थे, इसीलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हमजा को मटन में शराब छुड़वाने की दवा मिलाकर खिला दी जाए। इसके बाद बदरू की माँ कासिम की दुकान पर मटन खरीदने के लिए जाती है और उधर बदरू केमिस्ट की दुकान से दवा खरीद लाती है। इसके साथ ही बदरू उन लड़कों को दवा वाली बात किसी और को न बताने को कहती है। इसके बाद बदरू शाम होते ही टेस्टी खाना बनाकर तैयार रखती है, लेकिन किसी तरह से हमजा को उन लड़कों से दवा वाली बात पता चल जाती है। और जब बदरू उसे खाना खिलाने वाली थी तब हमजा उसे ये कहते हुए मना कर देता है, उसने बाहर खाना खा लिया है। यहाँ बदरू को भी अंदाजा हो जाता है कि हमजा को दवा वाली बात पता लग चुकी है। और जब हमजा बदरू का फेस गर्म खाने में डुबाने वाला था तो बदरू उसे बताने लगती है कि उसने उसी की भलाई के लिए ये सब किया है, लेकिन हमजा उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। पूरी रात फिर से उनका झगड़ा होता है और अगली सुबह जब बदरू अपनी माँ से मिलती है तब उसकी माँ उसे ये सलाह देती है, तुम हमजा के खाने में चूहे मारने की दवा मिलाकर उसे मार डालो और शांति से अपनी जिंदगी जियो। इसी दौरान बदरू को आइडिया आता है कि अगर उनकी लाइफ में एक बच्चा आ जाए तो शायद हमजा बदल जाए। आगे बदरू अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक खूबसूरत सी साड़ी खरीदने का प्लान बनाती है ताकि वो हमजा को रिझा सके। रात के वक्त बदरू बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में तैयार होती है, तभी डोरबेल बजती है, लेकिन वहाँ हमजा नहीं बल्कि रमन काका थे, जो बदरू को बिल्डर के साथ डील करने के लिए बुलाने आए थे। जिसे देखकर बदरू कपड़े बदल कर उनके साथ वहाँ से निकल जाती है। चौल के सभी लोग अपना अपना घर बेचकर बिल्डर के साथ डील करने के लिए रेडी थे और वो सब अपना फ्लैट लेना चाहते थे। बदरू को समझ आता है कि सभी लोगों ने लीगल पेपर्स भी साइन कर दिए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हमजा ही था जो कि पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। हमजा सबके सामने बदरू को ताने मारने लगता है। हालांकि चौल के सभी लोग भी हमजा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमजा किसी की नहीं सुनता और वो जबरदस्ती बदरू को घर ले जाता है। बदरू उसे समझा रही थी कि एक अच्छा घर उनके लिए कितना जरूरी है। इसी दौरान हमजा को वहाँ पड़ी हील्स दिखाई देती है जो कि बदरू ने आज ही खरीदी थी। उसे देखते ही हमजा उन हील्स से बदरू को मारने लगता है। बदरू को इससे काफी दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी हमजा पर पलटवार नहीं करती। अगली सुबह तक बदरू हमजा से काफी नाराज थी और वो हमजा से बात तक नहीं करती। हमजा गुस्से में ऑफिस चला जाता है और जब बदरू की माँ को हमजा की कोई खबर नहीं मिलती तो वो जुल्फी को बदरू के घर भेजती है। जुल्फी जब बदरू के घर जाता है तो उसे बदरू के शरीर पर मार पिटाई की काफी सारे निशान दिखाई देते हैं। दोपहर के वक्त जब बदरू अपनी माँ के साथ बाजार में जाती है
तब वो अपनी माँ को कहने लगती है कि अब उससे और मार नहीं सही जा रही है। अब बदरू भी अपने पति को जान से मारने के बारे में सोचने लगती है। तभी बदरू की माँ को पुलिस का कॉल आता है। पुलिस ने बदरू को थाने में बुलाया था। दोनों को अभी तक समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या हुई है। ये दोनों जल्दबाजी में थाने पहुंचते हैं। वहां उनको पता लगता है जुल्फी ने हमजा के खिलाफ बदरू को मारने पीटने की कंप्लेन दर्ज करवाई है। हमजा को भी वहां पकड़कर लाया जाता है। अपनी माँ के कहने पर बदरू भी हमजा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा देती है, जिसके बाद हमजा को लॉकअप में डाल दिया जाता है। लेकिन साइन करने से पहले बदरू एक बार हमजा से मिलने के लिए जाती है। वहां पर हमजा बदरू को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहने लगता है कि बच्चा हो जाने के बाद मैं बदल जाऊंगा, उसके बाद मैं शराब पीना भी छोड़ दूंगा। बदरू हमजा की बातों में आकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेती है। हालांकि बदरू की माँ उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बदरू उनकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि एक बच्चा होने के बाद हमजा सुधर जाएगा। जब तीनों टैक्सी से वापस आने लगते हैं तो रास्ते में हमजा पूछता है कि उसके खिलाफ कंप्लेन किसने की। इस पर बदरू कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ हमजा का शक अपनी सास पर जाता है और वो बदरू की माँ से झगड़ने लगता है। इसी दौरान वो बदरू की माँ पर भी हाथ उठा देता है, लेकिन फिर भी बदरू अपने पति को कुछ नहीं कहती। इस बात से दुखी होकर बदरू की माँ उन दोनों से अपने रिश्ते तोड़ देती है। ये सब कुछ कासिम भी अपनी दुकान से देख रहा था। इसके बाद से बदरू की माँ उसको फोन कॉल्स उठाना बंद कर देती है। अगले सीन में हम हमजा के ऑफिस का सीन देखते हैं। उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और डॉक्टर उसे बताती है कि अगर उसने और शराब पी तो वो मर सकता है, क्योंकि शराब की वजह से ही उसका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। जब हमजा घर लौटता है तो वो बदरू उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सब देखकर हमजा भी अब शराब छोड़ने के बारे में सोचने लगता है। वो फैसला करता है कि आज से वो शराब को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब दोनों की लाइफ ठीक चलने लगी थी और बच्चे की बात सुनकर अब बदरू की माँ भी उसका ख्याल रखने लगी थी। बदरू अपनी माँ के साथ मिलकर एक डिब्बा सर्विस की शुरुआत करती है। हमजा भी अब बदरू को खुश देखना चाहता था, लेकिन अभी भी उसके मन में ये बात खटक रही थी कि आखिर उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन किसने की होगी। हमजा अभी भी उस आदमी को में लगा हुआ था और आखिरकार एक दिन उसे पता लग ही जाता है कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने वाला जुल्फी था। और हमजा गुस्से में इस बारे में जुल्फी से पूछताछ करता है। हमजा को शक होने लगता है कि उसकी पत्नी और जुल्फी का अफेयर चल रहा है, और इस बारे में पूछने पर जुल्फी कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमजा को समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस उन दोनों माँ बेटी को खुश देखना चाहता है। लेकिन हमजा गुस्से में घर पहुंचता है और एक बार फिर से अपनी आदत से मजबूर होकर बदरू के साथ मारपीट करने लगता है, क्योंकि बदरू ने उसे बताया था कि जुल्फी ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। इसी बात का गुस्सा बदरू पर निकालने लगता है। बदरू से याद दिलाती है कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है, इस वक्त वो उसे ना मारे। लेकिन फिर भी बदरू को सीढ़ियों से गिराकर हमजा चला जाता है और सीढ़ियों से गिरने की वजह से बदरू के पेट में पल रहा बच्चा मारा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से अब बदरू डिप्रेशन में रहने लगती है। उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लेकिन वो सुसाइड करने का फैसला छोड़कर फिर से अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट पाने का ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन बदरू डॉक्टर से नींद की दवाई लेती है और वो किसी तरह से हमजा को खाने में मिलाकर वो दवाइयां दे देती है। और जब हमजा नींद से जागता है तो वो अपने आप को कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। बदरू अपनी माँ को भी घर बुला लेती है। बदरू की माँ भी ये सब देखकर एक बार तो हैरान रह जाती है, और उसके बाद बदरू की माँ हमजा को मारने के अलग अलग तरीके बताने लगती है। लेकिन असलियत में बदरू उसे मारना नहीं बल्कि उसे अपने दर्द का एहसास दिलाकर अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस पाना चाहती थी। पहले तो बदरू घर की सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है ताकि लोगों को उनके घर पर होने की बात पता ना लगे। इसके बाद बदरू वही रेड साड़ी और हील्स पहनकर हमजा के सामने आती है, जो कभी उसने हमजा को रिझाने के लिए खरीदी थी। यहाँ हमजा बदरू को उसके हाथ पैर खोलने को कहता है, लेकिन पहले बदरू उसे घर बेचने के पेपर साइन करने को कहती है ताकि वो अपने लिए एक नया फ्लैट ले सके। लेकिन हमजा उसकी बात ये नहीं मानता, तो बदरू उसी तरह से हमजा की उंगली पर मारती है जैसे कभी उसने बदरू की उंगलियों पर मारा था, जिसके बाद मजबूरी में हमजा को वो कागजात साइन करने पड़ते हैं। इसी दौरान हमजा को उसके बॉस का कॉल आता है, क्योंकि आज वो काम पर नहीं गया था, और वो हमजा के बारे में पूछने लगता है। तो बदरू उसे बताती है कि हमजा के पिता मर चुके हैं और उसे अचानक से गांव जाना पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर हमजा एक कांच का टुकड़ा अपने पास छिपा लेता है। अगले दिन बदरू जब कुछ काम कर रही थी तो हमजा अपने हाथ की रस्सी काट कर उस कांच के टुकड़े से बदरू पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन तभी बदरू की माँ बीच में आकर हमजा के सिर पर कुछ सामान मारकर उसे बेहोश कर देती है, और फिर से वो दोनों माँ बेटी हमजा को कुर्सी पर लाकर उसे बांध देते हैं। इसके बाद बदरू की माँ कासिम से बात करके बेहोशी के इंजेक्शंस का जुगाड़ कर लेती है। अगले दिन हमजा अपनी बातों में बदरू को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदरू अब उसकी बातों में फंसने वाली नहीं थी। वो बदरू को धमकी देता है कि वो खुद को मार डालेगा, लेकिन उसकी ये सब धमकी बदरू और उसकी माँ के सामने नहीं चलती। तभी वहाँ हमजा का सीनियर आता है, तो बदरू उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे रूम में बंद कर देती है। सीनियर उनसे हमजा के बारे में पूछते हैं और उनका हर झूठ पकड़ा जाता है। वो दोनों उस आदमी को हमजा
हमजा के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि वो शराब के नशे में ऐसे पड़ा है और उसकी तबीयत भी खराब है। हमजा बेहोशी की हालत में उनसे कुछ नहीं कह पाता और सीनियर उनकी बातों पर बिलीव करके वहां से चला जाता है। जुल्फी भी अब उसके प्लान में शामिल था। पुलिस को कुछ हमजा के बारे में पता चले उससे पहले ही वो दोनों हमजा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हीं के घर की तलाशी लेने की बात करती है। इधर हमजा जुल्फी को अपनी बातों से फंसा रहा था। जुल्फी उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है, लेकिन उसकी बातों में आकर उसको छोड़ भी देता है। पुलिस जब उनके घर आती है तब तक हमजा वहां से भाग चुका था। पुलिस समझती है कि बदरू और जुल्फी का अफेयर चल रहा है, इसीलिए जुल्फी ने हमजा को किडनैप किया है। लेकिन यहाँ पर जुल्फी बताता है कि वो बदरू से नहीं बल्कि बदरू की माँ से प्यार करता है। ये सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। तभी उनको खबर मिलती है कि हमजा पुलिस स्टेशन में बैठा है। सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। बेहोशी की हालत में हमजा कुछ कह भी नहीं पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी हमजा को घर ले आते हैं। हमजा उन सभी के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब बदरू हमजा को जान से मारने का सोचने लगती है ताकि वो शांति से अपनी लाइफ जी पाए। वो सभी हमजा को जबरदस्त शराब पिलाते हैं और बिल्डिंग से नीचे फेंकने का सोचते हैं। हमजा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। तब बदरू हमजा को घर वापस लाकर एक वीडियो शूट करवाती है जहाँ हमजा कहता है कि उसने बदरू को बहुत दुख दिया है तो वो सुसाइड कर रहा है। बदरू उस वीडियो को फेसबुक पर डालती है। तभी वहां बदरू की माँ आकर हमजा के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। बदरू उसी पल को याद करती है जब हमजा की वजह से उसका बच्चा मरा था। 3 साल तक उसने दर्द सहे। वो तीनों हमजा को ले जाकर ट्रेन की पटरी पर बांध देती है। दूर से ट्रेन भी आ रही थी। हमजा बदरू से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसको इस तरह ना मारे, लेकिन बदरू वहां से जाने लगती है। तभी बदरू को याद आता है कि अगर उसने हमजा को मार दिया तो जिंदगी भर हमजा की याद और उसका दिया हुआ दर्द उसे जिंदगी भर सताएगा, क्योंकि वो हमजा की तरह दरिंदा नहीं बनना चाहती। यही सोचकर वो तीनों हमजा को बचा लेते हैं। हमजा बदरू के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। वहीं बदरू सोच रही थी कि वो नई जिंदगी तो शुरू करेगी लेकिन उसके साथ नहीं। ये सुनकर हमजा गुस्सा होने लगता है। तभी एक ट्रेन से हमजा मारा जाता है। सभी वापस घर आने लगते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि बदरू के फादर भी हमजा की तरह अब्यूसिव थे। तो एक दिन बदरू की माँ ने अपने पति का खून कर दिया और खून के इल्जाम में काजिम ने ही उसकी माँ को बचाया था। वीडियो की वजह से सभी हमजा की मौत को सुसाइड मान रहे थे। बदरू अब खुले आसमान की तरह आजाद थी, जो अब अपनी मर्जी की मालिक हो चुकी थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी एक्सप्लेनेशन भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पे मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी की वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दे।